पूरी की है। मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉरी बाय क्वालिफिकेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी में 3 साल काम किया है, और DHA में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए थे, तो हमने भी फिर इंग्लिस्तान का रुख कर लिया, और वो भी आला तालीम के। रियली एग्जैक्टली। तो मॉक टेस्ट में तो फिर आपको पता है, फिर कुछ ना, जो UK का एजुकेशन सिस्टम है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, किस वजह से लोग यहाँ मतलब UK में आके हमें स्टडी करना चाहते हैं? वेल, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बनिस्बत जो है वो बेहतर है। सही। और दूसरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दोस्तों आज हमारे साथ जो है जो शख्सियत बैठी हुई हैं, ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है और तारुफ की भी मोहताज नहीं है। माशाल्लाह चेहरे पे नूर देखें तो हाफिज़ जवाद बशीर साहब हैं, इन्होंने हमें मधु किया हुआ है कि जी आप जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करें UK के हवाले से। तो इंशाल्लाह वो आज का जो है ना हमारा टॉपिक होगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हाफ साहब की इंशाल्लाह लेटेस्ट जो वीडियोस आगे इन फ्यूचर आनी है, और जिसमें आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, आप यकीन करें कि आपके लिए जो अगर ऐसा कोई ख्वाब देखते हैं कि उन्होंने इस मुल्क में आना है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चैनल। सो आई डू रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लीज़ हमारे देखने वाले को ये बताएं कि आप कहाँ से हैं पाकिस्तान, और अपना इंट्रोडक्शन बताएं कि आप बेसिकली हैं कौन। जी तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, हम तो भाई अदना से इंसान हैं। मेरा नाम मोहम्मद ख़ान है जी, मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पंजाब से, और लाहौर का मैं रहायशी हूँ। बेसिकली मैं मोहम्मद एजेंसी से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन चूंकि ज़्यादातर जितनी भी तालीम है और जो भी एजुकेशन और फिर रहना, सही, वो मोहम्मद एजेंसी से निकल के तो पहाड़ों से आए हुए हैं बेसिकली। तो लाहौर में मैंने जो है ना अपनी तालीम पूरी की है, मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉरी बाय क्वालिफिकेशन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी में 3 साल काम किया है, और DHA में मैंने 1.5 साल जो है वो काम किया है। तो माशाल्लाह काफ़ी रिच हैं आप एक्सपीरियंस में, काफ़ी कुछ नहीं है आप सब, हम जो है वो क्या उसको बोलते हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी अंग्रेज़ी का, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सो हमने जो है मतलब हर चीज़ कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक सिर्फ छुई है, लेकिन उसके मास्टर नहीं बने हैं। लेकिन ज़रूरत के नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है ना वो चीज़ सीखनी पड़ी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ, कुछ जो भी काम किया वो एक ज़रूरत के तहत किया, थोड़ा सा सीखा, जितना सीखा बस डिलीवर हुआ, दैट्स इट, खत्म। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वक्त की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक जितना भी काम निकाला और चलते बने। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको UK आने का ख्याल कैसे आया, किस चीज़ ने आपको इंस्टिगेट किया, या इन शॉर्ट वर्ड्स किस चीज़ ने आपको तंग किया? नहीं, एज सच कीड़ा तो कोई नहीं था, बस एक टसल थी जिसको आप कह सकते हैं कि एक बैड एक्सपीरियंस था हमारा। वैसे मैं ज़ाती तौर पर UK नहीं आना चाहता था, और ना मेरा कोई ऐसा सच कोई ख्वाब था कि जी मैंने UK जाना है। जैसे कायद अजम आला तलीम के लिए UK आए थे, ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। सही। और बाद में फिर बन गया, जब बना तो इंटरव्यूअर ने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी किया था हमसे कि जी आप वाई UK। सो फिर मैंने उनको यही जवाब दिया कि जी हमारे कायद जो थे वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए थे, तो हमने भी फिर इंग्लिस्तान का रुख कर लिया, और वो भी आला तालीम के। रियली एग्जैक्टली। तो मॉक टेस्ट में तो फिर आपको पता है, फिर कुछ ना कुछ तो मोटिवेटेड वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। तो मेरा कुछ बैड एक्सपीरियंस समझ लें आपके, कुछ एक दोस्त था मेरा, तो उसकी वजह से ये सारा प्लान बना। अच्छा। ऑल्दो प्लान तो चलो एग्जीक्यूट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, प्लान आइडिया आना जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑल्दो एक्सपीरियंस मेरा बुरा था, लेकिन ये है कि जी
उसका एंड रिजल्ट अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सही माशाल्लाह। तो बस अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी करे उसकी। तो एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से एक टसल हो गई कि अब तो यूके आना ही आना है विदाउट यू, विदाउट योर असिस्टेंस, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो है वो लामुतनाही है। अगर कुछ भी मांगना है तो अल्लाह ताला की ज़ात से मांग लो। तो फिर मांगा कि ये मेरा दोस्त समझ रहा है कि अगर ये चाहेगा तो मैं आऊँगा, अगर ये नहीं चाहेगा तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, तुम कहीं और उड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए इस दुनिया में चाहिए, तुम सिर्फ उसके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना उसके लिए वो दरिया अबूर करें या पहाड़ काटना शुरू कर दें, तो छोटी सी स्ट्रगल चाहिए होती, दैट्स इट। वो कहते हैं ना गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी एक एग्जांपल, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब हम यूज़ करते थे बचपन में, हम वो कवे वाली कहानी सुनते थे और पढ़ते थे कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब आपको ज़रूरत होगी तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। तो ऐसे हमारा जो है ना प्लान बना यूके आने का, कि एक दोस्त ने हमें कहा कि जी आप यहाँ पर आ जाओ। ऑल्दो मैं उसको थोड़ा सा हेल्प करता था उसकी, क्या उसको कहते हैं, आप कह सकते हैं कि जी उसको एकेडमिक्स में कुछ मसले होते थे तो मैं उसको थोड़ा सा हेल्प कर दिया करता था। तो फिर बाद में कोविड आया, तो कोविड की वजह से उसने रابطہ मुनक़ता कर दिया, जो कि मैं समझा कि शायद उसको कोई कोविड हो गया, अल्लाह माफ़ करे। या तो आपका दोस्त यहाँ पे था या पाकिस्तान में था? मेरा दोस्त यहाँ पर था। अच्छा, यूके में ऑलरेडी था? यूके में था ऑलरेडी, और वो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो थोड़े से मसले मसायल होते थे उसको, तो फिर मैं उसको देख लिया करता था, मैं उसको हैंडल कर लिया करता था। और उसके अलावा उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन था कि मेरी कुछ कंपनीज थी जिनके साथ मैं काम करता था यूके के अंदर, तो वो मुझे अक्सर कहती थी कि अगर पेमेंट लेनी है तो हमें कुछ ऐसा सोर्स दो ताकि रिलायबल हो। तो वो रिलायबल रिसोर्स एक ही होता था कि पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं पेपाल। तो पेपाल जो है वो मेरे पास नहीं था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल है ही नहीं। तो उस चीज़ को जो है वो फिर उस दोस्त की मेहरबानी के उसने किया, वो पेपाल दे दिया। एक ट्रांजैक्शन उसने भेजी, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शंस कितनी भी आई उसके पास, तो वो कभी वापस मुझे नहीं मिली, दैट्स इट। सो आप कहने का मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट के थ्रू होती थी आपको वो पैसे एक दफ़ा आए, उसके बाद ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और उसके अलावा जो कॉन्टैक्ट था वो बिल्कुल मुनक़ते हो गया और जी स्टोरी ख़त्म हो गई। जी स्टोरी ख़त्म हो गई कि भाई मैं नहीं आपको जानता, आप कौन हो? मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे नहीं जानते तो ठीक है। तो मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है कि आपकी स्टोरी से जो आपने बताया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, डेफिनेटली किस चीज़ पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, किसी भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। वही बात है कि अगर आप अपनी क्या कहते हैं ना, वही जैसे आपने पहले बोला कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और आपने कोई काम क्या कहते हैं ना ठान लिया ना किसी भी काम के लिए, आप उसकी तगदों में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी डेफिनेटली मदद ज़रूर करते हैं। तो इसकी मिसाल आप हैं जी, आप उनकी मदद के बगैर आप यहाँ पे पहुँच गए हैं। विदाउट गॉड विल इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू हेयर टू बी हेयर। सो आई वुड ऑल यही कहूँगा आप सबको कि भाई अगर आपने मखलूक के साथ लगा ली ना कि भाई ये मखलूक के साथ कोई उम्मीद वाबस्ता कर दी कि यार ये कुछ कर लेगा, सही, तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कॉल भी है ना, वो भी मैं अक्सर कोट करता हूँ जब दोस्त यार मिलते हैं। तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कॉल है, वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि अगर किसी के साथ नेकी करो तो उसके शर से बचो। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और उस ज़माने में उन्होंने ये बात कर दी कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने अपने दोस्त के साथ नेकी की, और रिवर्स में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कॉल आ जाता है कि उसके शर से बचो। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आप यही एक्सपेक्ट करोगे, या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने उसके साथ नेकी की है तो रिवर्ट में मुझे नेकी चाहिए, नेकी चाहिए। लेकिन वो रिवर्स में जो है ना आपको कुछ और दे देता है, वो उसके शर से बचो। ये बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था और ना मैंने ये कॉल पढ़ा था सुना था। तो जब ये मेरे साथ हुआ फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। सो आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है कि जी अल्लाह ताला के साथ जो है ना वो आपने अपना रिश्ता इस्तवार करना, रादर देन के लोगों के साथ कि लोग कुछ करेंगे आपके लिए, लोग कुछ नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट।
जी नेक्स्ट है, मैं आपसे कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं करने वाला है, जैसे प्रोसेस डेफिनेटली आपको पता ही है, काफ़ी वीडियोस आपको मेरे चैनल मिल जाएंगे कि यू कैन स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस क्या है। तो मेरा आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करता हूँ, आपको जो पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है और जो यूके का इन्वायरमेंट है उसमें क्या डिफरेंस लगा? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ जॉब, किस फैक्टर? चलिए आप पहले हमें बताएं कि एजुकेशन के हवाले से आपको क्या डिफरेंस लगा, जो मेन डिफरेंस आपको लगा पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है उसमें मेन डिफरेंस क्या है, किस वजह से लोग यहाँ यूके में आके हमें स्टडी करना चाहते हैं? वेल, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बनिस्बत जो है वो बेहतर है। सही। और दूसरा, दुनिया जहान की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 800 साल, 600 साल, 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी, और ये आपकी चॉइस है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। आप एंशेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर आपने जो है कोई न्यू यूनिवर्सिटी में जाना है जिसकी फ़ीस कम होती है। लोग यहाँ पर जब आते हैं उनका मेन मकसद फ़ीस का होता है, क्योंकि आप यहाँ पे तो पाउंड जो है ना वो 1000 में होंगे, लेकिन जब वो कन्वर्ट होके आपके पास आएंगे तो वो एक लमसम अमाउंट बनेगी और बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आपकी फ़ीस, फिर उसके बाद आपकी लोकेशन के, अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक यूनिवर्सिटी चूज़ की है और वो यूनिवर्सिटी वो लंदन में है, सो लंदन में कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 8000 से कम नहीं मिलेगी, 10000 से ऊपर की यूनिवर्सिटियाँ मिलेगी, 10000 से नीचे की यूनिवर्सिटी आप लंदन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सही। लंदन से बाहर निकल जाएँ शायद आपको एक आध यूनिवर्सिटी मिल जाए जो कि 10000 या 10000 से कम में हो, लेकिन अगेन जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी वहाँ पर फिर फीसेस भी ज़्यादा होंगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी या सिटी कौन सी लोकेशन पे वाक़ है, उसके मुताबिक जो फीसेज है वो वेरी कर रही होती है। एग्जैक्टली। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि अकोमोडेशन भी जो है वो मेन फैक्टर होता है, कि मिसाल के तौर पर अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो यहाँ की जो अकोमोडेशन है वो बहुत महंगी है एज़ कम्पेयर टू कंट्री साइड। अगर आप बाहर चले जाते हैं लंदन से तो वो इतनी महंगी नहीं है। सही। तो अपॉर्चुनिटीज़ चूँकि ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर रेंट भी ज़्यादा। ठीक। तो ये तो हो गए एजुकेशन के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से। अगर हम देखे जाए कि माशरती हवाले से, जो माशरती वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, अखलाकी तौर पर लोग जो पाकिस्तान और यहाँ पे देखा जाए तो क्या आपको क्या डिफरेंस है उसमें? वेल, आप सब टू बी ऑनेस्ट, अखलाकी तौर पर जो है वो ये लोग हमसे काफ़ी आगे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जो इनकी बहुत अच्छी हैं। ये लोग अवॉइड करते हैं झूठ, झूठ को इंतहाई जो है ना बुरा समझते हैं कि झूठ नहीं बोलते, चाहे वो आप अपनी फील्ड में हो, चाहे वो आप राह चलते हुए कहीं गुजर रहे हो, तो रस्ते में अगर आपको कोई बंदा मिल जाता है वो आपको झूठ नहीं बोलेगा। और दूसरा ये कि झूठ नहीं बोलेंगे और तहजीब में बहुत आगे हैं कि बात बात पे आपको सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे कि जी आप अगर रास्ता अगर आप किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं तो देने वाला भी सॉरी कहता है और लेने वाला भी सॉरी करता है। सो मुझे ये चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगी, तो मैंने कहा यार ये हर बात पे सॉरी क्यों कर रहे हैं? तो किसी ने फिर मुझे बताया कि यहाँ ये ट्रेडिशन है कि हम सॉरी कह के एक डिग्निटी देते हैं दूसरे को कि यार हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है कि इवन कि हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं ना, कि ग्रोसरी वगैरह लेनी होती है, इवन कि हमारी बास्केट भी किसी के साथ टच भी हो जाए ना, exactly. तो डेफिनेटली वो सॉरी, वो एक डर की सॉरी बोल देगा आपको, exactly. कि यार मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मेरी तरफ से आपको कोई किसी किस्म की ज़हमत का सामना तो नहीं करना पड़ा। ये डेफिनेटली ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। बिल्कुल। मैं कुछ और एडिशन भी करना चाहता हूँ इसमें, कि मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें अगर आप सफ़र करते हैं तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक सीट्स होती हैं, लोग ज़्यादातर उन सीट्स पे भी बैठे होते हैं जो कि जवान होते हैं। कुछ ऐसी सीट्स हैं जो कि प्रेग्नेंट वूमेंस के लिए स्पेशली रखी गई हैं, कि अगर वो वहाँ पर हो, या अगर जिनके पास बच्चे हैं और वो एक वॉकर होता है जिसमें उन्होंने बच्चे रखे होते हैं, तो उनके लिए भी एक अलहदा सीट उन्होंने बनाई हुई है।
और फिर उसके बाद बुज़ुर्गों के लिए अलहदा सीट बनी हुई है। अगर आप उस सीट में गलती से बैठ गए हैं और एक बुज़ुर्ग खड़ा है तो आप इखलाकन जो है ना लोग यहाँ पर इखलाकन उठ जाते हैं और उनको बिठा देते हैं, जो कि अगर देखा जाए कि ये सारा जो निज़ाम है वो इस्लामिक निज़ाम है, जो मतलब इस्लाम ने हमें सिखाया, तो वो यहाँ पर राइज है इन शॉर्ट। अगर मैं आपको बिल्कुल इन शॉर्ट कहना चाहें कि यूके कह सकते हैं एक आइडियल प्लेस है किसी भी, आई मीन वैसे जब मैं आया था ना मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं पता नहीं दुनिया की कौन सी कंट्री में आ गया हूँ। एक मतलब एक आइडियल जगह है वाकई, रियली इट्स इसमें नो डाउट अबाउट इट, बहुत ही ज़बरदस्त जगह रहने के लिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान एयरपोर्ट से और वहाँ से लेकर और जब यहाँ लंदन पहुंचने वाले थे और पायलट ने अनाउंस किया कि हम हीथरो एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं, तो तब आपकी ये जो फीलिंग होती है मिक्स आने की और यहाँ पहुंचने की, उसमें आपको क्या फीलिंग थी आपकी? वैसे बड़ा मज़े का वाकया सुनाता हूँ आपको। जब मैं पहली दफ़ा जब लाहौर से निकला ना, घर वालों ने मुझे कहा लाहौर एयरपोर्ट से मैं निकला। लाहौर एयरपोर्ट पे जो है ना लोग सारे जो है ना वो जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे मिले रो रुला के जो है ना, वो मैं सबको ना अब एयरपोर्ट के लिए मैं निकल गया। गाड़ी बाहर खड़ी थी, सबसे जो है ना वो सलाम दुआ ली, निकल गया। अब ठीक है, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पे ना मैंने टिकट अपनी खुद करवाई हुई थी। मैंने टिकट करवाई हुई थी एयरबीएनबी नहीं एक वेबसाइट थी गालबन स्काई स्क्रैपर के थ्रू मैंने करवाई थी, ठीक है, थर्ड पार्टी करवाई थी। तो मुझसे गलती ये होगी कि मैंने जो है ट्रांजिट रूट वो चूज़ कर लिया जो कि यूनान का था, ग्रीस का था। अब ग्रीस जो है ना वो पाकिस्तानियों को ट्रांजिट नहीं दे रहा था। तो मैं जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा तो मैंने जब टिकट दिखाई रो में लग के, तो उन्होंने कहा कि जी ये टिकट कहाँ से ली है? मैंने कहा जी वो ऑनलाइन ली थी मैंने। कहते ये तो भाई हम आपको जहाज़ पे चढ़ने ही नहीं देंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई चढ़ने नहीं देंगे? कहते भाई ये मसला हो गया ना, आप ग्रीस में जो है ना वो ट्रांजिट नहीं ले सकते। मैंने कहा मुझे ट्रांजिट का असल में पता नहीं था। मैं पता क्या कहता था, मैं कहता था ट्रांजिट का मतलब ये है कि आप जैसे ही लैंड करोगे ना तो आप बाहर निकल के एयरपोर्ट पे या बाहर नहीं फिर सकते, मेरा ये कॉन्सेप्ट था ट्रांजिट का। तो मैंने कहा कौन से, मैंने जहाज से बाहर नहीं, मैं जहाज के अंदर ही हूँगा। नहीं सॉरी, आपको ट्रांजिट आई मीन कोविड की वजह से वो बाहर नहीं जाने दे सकते थे या वैसे वहां से? नहीं, उनका रूल था कि जी पाकिस्तानियों को जो है ना वो ट्रांजिट नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर क्या उनकी जो है वो पॉलिसी है उस बारे में। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो मैंने उनको समझाने की कोशिश, मैंने कहा अल्लाह का नाम है मुझे जाने दो, खैर से बड़ी मुश्किल से मैंने टिकट करवाई है और मुझे बैठने दो। कहते भाई हम नहीं आपको कर सकते हैं ना, क्योंकि आपका जहाज़ वहाँ पर चेंज होना है, जब आपका जहाज़ चेंज होना तो आप जहाज़ से उतरोगे। मैंने कहा अच्छा, जहाज़ से उतरना पड़ेगा फिर? तो कहते यही तो मसला है कि आप ट्रांजिट नहीं कर सकते, आप जहाज़ से उतर नहीं सकते। मैंने कहा यार तुम बड़ा मसला हो गया है। तो खैर वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको नहीं चढ़ने देंगे, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। उन्होंने कहा यार ये किस बंदे को जो है ना आपने बिठा दिया, तो फिर हमसे जो है ना पूछ कुछ होती है, सही को फिर वापस आना पड़ेगा, वहाँ से वापस आना पड़ेगा। खैर मैं जो है वो मुँह लटकाए सबसे जो है ना वो सी ऑफ करके तो निकल गया था। तो जब मैं वापसी के लिए जब निकला, चलो अच्छा था, सर्दियों का मौसम था, तो बैग लेके जो है ना घसीट रहा हूँ, एक रिक्शे वाला बाहर खड़ा था, टैक्सियों वाले से पूछा, टैक्सी वाले कहते लगता है ये बाहर से आया। अच्छा, तब तक वो घर वाले वापस जा चुके थे? घर वाले जा चुके थे। अच्छा। और मैं अपना मोबाइल जो सिम है ना वो भी दे चुका था कि यार ये सिम पकड़ो, ये जैस की सिम पकड़ो, मैं नहीं आता, मैं गया। अच्छा। अब हुआ ये जैस की सिम दी, अब मेरे पास सिम भी नहीं है कि मैं कॉल कर सकूं। अच्छा, और ना आजकल का जो दौर चल रहा है ना किसी का मोबाइल नंबर याद रहता है सिवाय अपने, तो मेरे साथ तो बड़ा मिसअप हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने टैक्सी वालों को कहा, मैंने कहा जी ये मैंने फलां जगह जाना है, तो कहते जी हम तो 3,000 लेंगे। अल्लाह, ये बंदा बाहर से है, यूके से है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, अभी अंदर आया था और अभी वापस आ रहा हूँ। कहता नहीं नहीं भाई ये तो सारे कहते हैं। मैंने कहा नहीं मैं इंटरनेशनल फ्लाइट तो ठीक है, लेकिन यकीन करें मैं नहीं गया, मैं सिर्फ मुंह वो छू के जो है ना वापस आ गया। कहते नहीं भाई वो 3,000 से तो कम लेते नहीं है आपने। मैंने कहा यार 5 किलोमीटर के रेडियस में मेरा घर रहता है एयरपोर्ट से, तुम कह रहे हो कि भाई 3,000। मैंने कहा 3,000 मैंने कौन सा जो है ना वो क्वेटा जाना है,
3,000 तो कोटा का लगता है। वैसे ये बात बहुत कॉमन है, अगर आप बाहर से किसी भी कंट्री से वापस जाते हैं ना अपनी होम कंट्री में, तो बाहर वाले जो लोगों का वहाँ का जो माइंडसेट होता है ना एयरपोर्ट पे जितने भी आसपास होते हैं लोगों का ये होता है यार इनके पास अच्छा खासा माल है इनको सही निचोड़ के ना तब जाने दो घर इनको, इनके पास डॉलर इनके पास पाउंड है, इनसे डील करनी है तो डॉलर्स और पाउंड में बात करनी है, उससे कम में नहीं करनी। खैर वो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, उनको मैंने कहा कि मैं बस ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं बाहर निकला तो एक रिक्शे वाले कुछ जो है ना बुजुर्ग थे उनको मैंने कहा कि जी बाबा जी ऐसे मेरे साथ हो गया तो घर जाना है मैंने, तो मुझे बताएं कितना किराया होगा। अब रात के 4 बजे कौन आपको जो है ना वो टैक्सी लेके देगा, हाँ, सही। और ना इस तरह की फैसिलिटीज वहाँ पे होती हैं। तो खैर वो बाबा जी ने बड़ा एहसान किया, मुझे जो है ना कहा कि ठीक है मैं फिर आपको इतने में ले जाता हूँ। मैंने कहा चले मुनासिब है चलते हैं। उसको फिर बैठे घर जैसे ही पहुँचा उनको पैसे दिए, सरप्राइज दिया नहीं अब सरप्राइज पता क्या है, मैं जैसे ही गली में लैंड किया तो सामने से जो ना मेरे वाले साहब आ रहे हैं मस्जिद से, तो कहते यार वापस इतनी जल्दी आ गया तू। वो मतलब खैर तो है इंग्लैंड वालों ने मतलब 1 साल इस तरह से किया हुआ था कि भाई तू ऐसे 1 घंटे में जाएगा 1 घंटे में, ये तेरा 1 साल था। मैंने कहा नहीं नहीं वो ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको अंदर स्टोरी सुना। तो अंदर आए सारे रो रो के हलकान हो गए थे, और फिर उसके बाद जब मैं ऊपर गया सारे सोए हुए थे। अच्छा। तो कुछ फजर की नमाज अदा कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा और मुझे पाया कि यार फिर आ गए। नहीं नहीं ये स्पीड ऑफ लाइट से लगता है हमने ट्रैवल किया ख्वाबों में और ख्यालों में, लगता है कल की रात को इतनी बड़ी थी कि वो 1 साल की थी कि कल रात ही तुम गए और 1 साल भी गुजर गया और अभी सुबह हो गई। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस और बताया भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं वापस आ रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जलालत हो गई थोड़ी सी, एक गलती हो गई है हमसे। तो अब गलती तो मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर वो गलती मैं वहाँ पर डिस्क्लोज करता तो मुझे पढ़ने थे 76। ठीक है मैंने उनको कहा कैंसिल हो गई है। नहीं मैंने फ्रॉड लगाया, मैंने उनको कहा वो ना मेरी ना फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। अच्छा। कहते हैं यार ये कोविड ने बड़ा काम खराब किया है ना, ये कोविड हर दूसरी फ्लाइट जो ना वो कैंसिल और हो रही थी उस उन दिनों, को डेफिनेटली तो कहना पड़ा कि भाई हाँ ऐसा हुआ है जेन्युइन रीजन। जी जेन्युइन रीजन। तो अब आज तक उनको नहीं पता चला कि वो इस सीन क्या था, अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि सीन ऐसा चला था। अच्छा, अब वीडियो देखेंगे तो अभी खैर जब जाऊंगा इंशाल्लाह तब वहाँ पर शायद वो जो है ना वो 76 पड़े थोड़े से। लेकिन तो देन उसके बाद कितने दिनों बाद आपने दोबारा फ्लाइट ली? और फिर उसके बाद मैंने हाफ साहब उसके बाद मैंने जो है तौबा कर ली कि भाई खुद इस तरह की हरकत नहीं करनी। मैंने फिर एक कंसल्टेंट को कहा, मैंने कहा यार आपकी मेहरबानी टिकट करवा दो मेरी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम टिकट करवा देते हैं लेकिन आपको कब जाना है। मैंने कहा एज सून एज पॉसिबल, जो कि हर स्टूडेंट के जो है ना जुबान पे होता है। तो खैर वो फिर उन्होंने जो है वो कराची का रूट चूज किया। फिर ऐसा किया कि फ्लाइट के थ्रू एक दिन पहले मैं कराची गया और एक दिन वहाँ पर अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रहा, और फिर शाम को जो है ना वो फ्लाइट थी। शाम को फ्लाइट वाला सीन भी बड़ा मज़े का है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक वाकया सुना देता हूँ कि एयरपोर्ट पे मोस्टली जब जाते हैं पूरी फैमिली के घर के 10 बंदियाँ ना, तो 10 बंदे ही चले जाएंगे छोड़ने के लिए सीआफ करने के लिए, और वहाँ पे भी एक इमोशनल सीन चल रहे होते हैं यार, सब कोई एक पकड़ है दूसरे गले लगा रहा है, कोई तीसरा गले लगा रहा है, कोई आ जाएगा, मतलब है कि एक वहाँ पे फैमिली आई वो ऐसे ही चल रहा है। जो मेन एंट्रेंस पे जो पहले जहाँ पे वो पासपोर्ट चेक करते हैं ना कि टिकट सर है पासपोर्ट चेक करते, वो ऑफिसर देख रहा था काफी देर से और ये लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे यार। वो लिटरली उनके पास आ गया, उन्होंने कहता है भाई जी इन्हें जान देना नहीं या नहीं जान देना, उन्होंने उनको लिटरली उसको खींचा, उसे कहा आगे लाग, इन्हें कहा जाओ तुसी। वो मतलब ऐसी सूरत हाल बन गई ये। बिल्कुल सही कह रहे, ऐसे ही होता है एयरपोर्ट में अक्सर, मैंने यही मनाजर देखे हैं। तो जब दूसरी दफा मैं घर से निकला तो घर वालों ने ज्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है चलो जाओ शाबाश हम इतना नहीं रो रहे जाओ आगे। वो पहली दफा मुश्किल होता है ना जो भी करना, तो पहली दफा में उन्होंने रो रो के हलकान हो गए, तो उन्होंने कहा बस दूसरी दफा में ठीक है भैया अब निकलो यहाँ से जाओ। खैर मैं वो निकला और कराची पहुंचा, तो एक दिन जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारा, हमारे जो दादा बुन के साथ, फिर उनके साथ जो है ना रहने के बाद
जब वहां से सी ऑफ किया तो वहां से लिटरली कोई नहीं आया साथ। अच्छा मतलब ठीक है भाई, उधर से जो तेरे साथ हुआ तो टैक्सी पकड़ो और ये चलो शाबाश निकलो चलते बनो। अब जब एयरपोर्ट पहुंचे मैंने कहा या अल्लाह खैर, ये एयरपोर्ट वाले अक्सर जो है ना वो पकड़ लेते हैं कि जाने नहीं देते, पैर से पकड़ लेते हैं कि भाई नहीं पाकिस्तान से नहीं बाहर निकालना इस लड़के को, इसको पकड़ लो। अच्छा। तो मैंने कहा या अल्लाह खैर, बस मैं जो आयते और सूरते आती थी वो मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा, सब तक सब सही जा रहा था, सब सही जा रहा था। अचानक वो जब मेरी बारी आई तो जो टिकट वाला होता है उसको मैंने दिखाई टिकट, मैंने कहा जी ये टिकट, तो वो कहता यार वो आपने फॉर्म फिल किया है, मैंने कहा कौन सा फॉर्म, वो लोकेटर फॉर्म, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल फॉर्म फिल किया है ये देखे ना चेक करें। ओ खैर यार ये तो आपने गलत फिल कर दिया है, मैंने कहा मर गए अब क्या हो गया यार, कहते भाई ये दोबारा फिल करो, मैंने कहा क्या मसला क्या हो गया, अच्छा तो सही फिल किया है मैंने, कहते नहीं इसमें ना असल में आपकी ना दुबई में ट्रांजिट है, अब दुबई से जो तैयारा लैंड करेगा यूके के अंदर आपने उसका जिक्र करना है कि मैं उस फ्लाइट के थ्रू जो है वो यूके एंटर होऊंगा, आपने लिखा होगा कि जिस फ्लाइट के थ्रू आप आ रहे हो ना आपने वही लिखा हुआ है, उसी में आप उसी फ्लाइट में जो है ना उसी नंबर उसी फ्लाइट नंबर पे आप यूके में एंटर होंगे, इन ट्रांजिट आपने शो नहीं किया था। हाँ जी बिल्कुल, तो ये गलती हो गई, मैं वहां पर तड़पूं कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं मैंने लगता है ये इसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा अगर अभी नहीं गया ना तो मैंने बस कैंसिल कर देना, मैं नहीं जाता। हो रहा था अब शुगन। हाँ, बस फिर मैंने कहा क्या करूं, वहां पर एक मैनेजर खड़ा था, मैंने कहा यार मेरे पास तो नेट नहीं है, कहता इधर आओ आपको फैसिलिटेट करते हैं, मैंने कहा ठीक है मैं चला गया, उन्होंने नेट दिया मुझे मोबाइल पे, मैंने जल्दी जल्दी जो है वो लोकेटर फॉर्म फिल किया, साथ ही कुछ और लोग आ गए उनका भी यही मसला था यार। अच्छा। भैया ये लोकेटर फॉर्म कैसे फिल करते हैं, हमें तो कंसल्टेंट ने फिल करके दिया था, मैंने कहा यार बहुत इजी है ऐसे 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 करो, तो उनको भी चलो फिल करके दे दिया। और फिर आई बात प्रिंट की, तो प्रिंटर जो वहां पर था उन्होंने तो सही लूटा मुझे, एक प्रिंट जो है ना वो 100 रुपए का। अल्लाह अकबर। वैसे मैं बताऊं कि मैंने प्रिंट नहीं करवाया था, मेरे पास सिर्फ जस्ट उसका QR कोड था और उसके पास टैप थी और उसने वहां से स्कैन करके चेक कर लिया कि इन्फॉर्मेशन वगैरह ठीक है या नहीं। I mean, मैंने तो प्रिंट आउट नहीं लिया था वैसे। अच्छा एक और बात मजे की याद आ गई है।